पीसीबी ने ये चैंपियंस कप करवाया था ताकि पाकिस्तानी टीम की चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी हो। मैं आपको बता रहा हूँ, इस चैंपियंस कप ने पाकिस्तान की टीम को एक्सपोज करके रख दिया है। वो क्यों, आप सुनिएगा। पाकिस्तान की टीम ने टेस्ट क्रिकेट का खेल लिया, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है वो 50 ओवर पूरे नहीं खेल सकते। जो पहला मैच हुआ था चैंपियंस कप का, मार्को वर्सेस जिसको कहते हैं पैंथर का, उसके अंदर पैंथर की टीम 35 ओवर के अंदर ऑल आउट हो गई थी। दूसरे मैच के अंदर ऑस्ट्रेलियन वर्सेस लायन का मैच था, लायंस की टीम 40वें ओवर के अंदर ऑल आउट हो गई थी। तीसरे मैच के अंदर पैंथर वर्सेस डॉल्फिन का मैच था, डॉल्फिन की टीम 47 ओवर के अंदर ऑल आउट हो गई थी। इसी के साथ साथ जो इनका पांचवा मैच था, चौथा मैच था, जिसके अंदर मार्को वर्सेस ऑस्ट्रेलियंस का मुकाबला था, उसके अंदर ऑस्ट्रेलियंस जो थी वो 24वें ओवर के अंदर ऑल आउट हो गई थी। और यही नहीं, इसी के साथ साथ लायंस वर्सेस पैंथर के मुकाबले के अंदर अगर बात करें तो उसके अंदर भी शाहीन की जो टीम है वो बहुत जल्दी जिसको कहते हैं ना ऑल आउट होगी, 37 ओवर के अंदर ऑल आउट होगी। इसका मतलब यह कि हर टीम इस वक्त, हर टीम जिसको कहते हैं ना जल्दी आउट हो रही है, 50 ओवर पूरे नहीं खेल पा रही रही, बची मारखोर। मारखोर भी ऑस्ट्रेलियंस का जो मुकाबला था उसके अंदर 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाई थी। इससे क्या मैसेज जा रहा है, इससे ये मैसेज जा रहा है जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं, ये 50 ओवर पूरे खेल नहीं सकते। अगर ये डोमेस्टिक के अंदर 50 ओवर पूरे नहीं खेल सकते तो ये इंटरनेशनल के अंदर 50 ओवर पूरे कैसे खेलेंगे। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होगा। यही वजह हमारी वर्ल्ड कप की भी थी कि हम लोग ऑल आउट हो रहे थे। आप ये देखिए, बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अगर आप 50, आपके अंदर सब्र ही नहीं है, आप क्रिकेट खेलना ही भूल गए, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने लॉन्गर फॉर्मेट कैसे खेलना है, तो आप कैसे चलेगा निजाम। और ये मसला पूरे के पूरे हर प्लेयर के साथ हो गया है। कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो शुरू से खड़ा और आखिरी ओवर तक खेलता रहे, ये भी नहीं। चैंपियंस कप के अंदर अभी एक भी ऐसा मैच नहीं जो आखिरी ओवर तक गया, कोई ऐसा मैच नहीं जो आखिरी ओवर तक गया, और कोई ऐसा मैच नहीं जिसके अंदर टारगेट चेज हो गया। तो ये एम्बैरेसिंग है, ये सही चीज नहीं हो रही। चैंपियंस कप ने आपको आपके प्लेयर्स की असलियत बता दी है। हम बड़े खुश हो रहे हैं, हमें ये प्लेयर मिल गया, हमें वो प्लेयर मिल गया, लेकिन इन रियलिटी हमारा जो एक्सपोज हो रहा है, हमारा जो कहते हैं ना इतनी इबरतनाक हमारी शिकस्त का जो सामना हमने करना पड़ रहा है वो ये है कि हमारे खिलाड़ी जो है वो पूरे ओवर ही नहीं खेल पा रहे। ये क्वाइट एम्बैरेसिंग है। तो आप खुद सोचें, अगर हम डोमेस्टिक के अंदर लोकल बॉलर्स को पूरा नहीं खेल पा रहे तो हम कैसे खेलेंगे। और सबसे ज्यादा जो है ना 99.9% चेजिंग के दौरान के अंदर जो टीम्स है ना वो पूरे ओवर नहीं खेल पा रही, क्योंकि प्रेशर होता है इनके पास। चाहे 232 चेज कर रहे हो, चाहे ये लोग 347 चेज कर रहे हो, चेज इनसे नहीं हो रहा और जल्दी जल्दी ये लोग आउट हो रहे, इवन कि आखिरी ओवर तक भी नहीं जा रहे। तो ये क्या वजह, कैसे सोल्व होगी, देखना पड़ेगा। क्योंकि पीसीबी जो कर रहा है, तैयारी तो पीसीबी इनकी करवाना चाह रहा है, लेकिन तैयारी के चक्कर के अंदर इनकी गलतियां बहुत ज्यादा नजर आ रही है। अगर आप भी आज देखें तो खिलाड़ी जो है वो 70-80 करके रिलैक्स हो जाते हैं, कोई बड़े रन की तरफ नहीं जा, जो सेंचुरी करते हैं वो उसको 150 के अंदर कन्वर्ट नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ा मसला बन चुका हुआ है। पीसीबी को चाहिए कि पिचेस भी सही तरीके से बनाए और खिलाड़ियों को डांटे, कोचेस डांटे इनको, ताकि ये जिसको कहते हैं सीरियस होके खेलें। ये तो हमारी क्रिकेट ऐसे बदनाम होगी। अब आप खुद सोचें, पूरी दुनिया की इस वक्त चैंपियंस कप के ऊपर नजर है, वो क्यों है, क्योंकि क्रिकेट बड़ी कम हो रही है और पाकिस्तान इसकी इतनी हाइप बनाई हुई, क्राउड पूरा आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा मसला बन चुका हुआ। अगर आप देखें ना फैसलाबाद का जो क्राउड है वो आ रहा है, उनको एंटरटेनमेंट भी तो देना, जब वो इतना टाइम अपना जाया कर रहे, पूरा पूरा ओडीए मैच वो लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट उनको कोई एक्साइटेड मैच तो दिखाएं। इतने वन साइडेड उनको मैचेस दिखा रहे हैं कि वो लोग भी आगे से तौबा करेंगे, यार क्रिकेट का तो मजा ही नहीं है। ये क्या मैसेज जा रहा है, ये बिल्कुल अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। इनको इस चीज को सुधारना पड़ना है। चैंपियंस कप जैसे कहता है ना, एक बहुत बड़ा हमारे लिए कंसर्न बन चुका हुआ है, क्योंकि ये हमें एक्सपोज कर रहा है।